तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ओप्पो के एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसमें आप सभी को 12,000 रुपये का छूट मिल रहा है और वो भी पॉपअप जनरेशन के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि ओप्पो का एक 11 प्रो है, ओप्पो F11 प्रो, जिसकी कीमत 19,990 रुपये रखी गई थी फर्स्ट मतलब लॉन्च के समय, और अब इसकी कीमत हो चुकी है 15,990 रुपये। ओप्पो ने इसे 6.5 इंच और HD फुल डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के साथ इसे लॉन्च किया था और ये 6GB रैम के साथ आता है। यह MediaTek के P70 पे रन करता है और यह 48 MP 5 MP डुअल कैमरा सेल्फी के साथ आता है। इसमें 4000mAh के बैटरी और बुक चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया हुआ है। हे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जल्द ही बाजार में तहलका मचाने नोकिया का यह स्मार्टफोन रेडमी को टक्कर देने आ रहा है। तो दोस्तों, यह HMD ग्लोबल स्मार्टफोन निर्माता कंपनी नोकिया ने एक फ़ोन अगले ही महीने लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है और लॉन्च होने की घोषणा की है। HMD ग्लोबल की स्वाति वाली कंपनी नोकिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर अगले महीने लॉन्च फ़ोन करने के बारे में टीजर जारी किया है। नोकिया ने इस फ़ोन को बड़े ही बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे नोकिया के इस स्मार्टफोन में बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। नोकिया ने अपने ट्विटर 15 सेकंड का वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि ट्विन कमिंग सून ऑन December 5, जिसके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कंपनी का अगला स्मार्टफोन नोकिया 8.2 या 5 दिसंबर को लॉन्च कर दिया सकता है। और चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। नोकिया 8.2 फीचर्स, इस फ़ोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, वहीं फ़ोन में 64 MP का कैमरा सेंसर दिया जाएगा। इस फ़ोन को ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया जाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम LTE होगा जबकि दूसरे ऑपरेटिंग 5G रहेगा। पिछले दिनों लीक्स से अनुसार में 5G मॉडल फरवरी में आयोजित किए जाने वाले MWC 220 में लॉन्च किया जाएगा। इस फ़ोन में प्रोसेसर का भी दमेदार हो सकता है। इस फ़ोन में बैटरी, बड़ी स्क्रीन और यह फ़ोन बाज़ार में आएगा तो रेडमी को टक्कर दे सकता है। तो हे दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अनोखा स्मार्टफोन होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, दुनिया भर के मोबाइल टेक्नोलॉजी एक साथ मतलब बढ़कर स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है जिसकी वजह से मोबाइल कंपनियों में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। इस बीच हम आपको एक ऐसे फ़ोन निर्माता कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके दुनिया पहला सेटेलाइट फ़ोन बनाया गया है। इस फ़ोन का नाम थोड़िया X5 Touch रखा गया है। आपको बता दें कि एक ऐसा स्मार्टफोन जो लैंडलाइन या सेलुलर टावर के बजाय सीधे सेटेलाइट से सिग्नल लेता है। इस फ़ोन किसी भी कॉल किया जा सकता है। इस फ़ोन में आपको 5.2 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इस फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। फ़ोन की 2GB रैम और 6GB इंटरनल स्टोरेज की दी गई है। बात करें इसके कैमरे में तो 8 MP की रियर कैमरा और 2 MP की इसकी फ्रंट कैमरा मौजूद है। वहीं फ़ोन का पावर 3 मतलब 3800mAh की बैटरी दी गई है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 7.1 नॉगोट पर काम करता है।